आपको भी मिल जाए। तो जो लास्ट क्लास हमने ली थी उसी से रिलेटेड आज की क्लास है, कुछ अलग डिज़ाइन है लास्ट टाइम से। तो हम पूरे डिज़ाइन तो देखो क्लासेस के ज़रिए नहीं सीख पाएंगे, मैं सिर्फ आपको बेसिक्स सिखा रही हूँ, डिज़ाइन बता रही हूँ कि इस तरह से आप मेहंदी की स्टार्टिंग कर सकते हैं। आगे हम मेहंदी के डिज़ाइन सीखेंगे और उनको किस तरह से ज्वाइन करना है एक डिज़ाइन को दूसरे डिज़ाइन से, वो भी हम सीखेंगे। तो इसके लिए सिर्फ ये बेसिक्स है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ इस तरह से हम मेहंदी की शुरुआत अपने हाथों पे कर सकते हैं। सेम टू सेम बना लीजिए, या अगर जगह अगर आप बनाते रहेंगे अपने डिज़ाइंस और नई क्रिएटिविटी लाते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडियाज़ आते रहेंगे, क्योंकि देख देख कर बनाना तो चलो ठीक है, पर खुद के आइडिया से न्यू डिज़ाइन क्रिएट करना भी एक आर्ट है। तो ये जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ये सारे स्टार्टिंग के हैं कि आप मेहंदी की स्टार्टिंग इसके ज़रिए कर सकते हैं, बॉक्स के ज़रिए। जैसे कई लोगों को क्या है, बॉक्स की मेहंदी अच्छी नहीं लगती कि डब्बा टाइप मेहंदी, तो इस तरह की मेहंदी अच्छी लगती है, मतलब ऊपर की तरफ कुछ प्लाज या कोई अम्बी या कोई पत्ती या कोई भी बेल टाइप इस तरह का होना चाहिए ताकि वो उस मेहंदी को अलग लुक दे। तो पहले हम इस तरह से सीखेंगे, फिर इनके ऊपर हम और क्या डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं जिससे मेहंदी को बहुत ही डिफरेंट लुक मिले, फूल पत्ती से किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये डिज़ाइंस भी हम सीखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखी जाएंगी। कई कमेंट्स आते हैं कि ये कितने टाइम का कोर्स है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मेहंदी तो जो भी कला होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम सीखते रहेंगे, और कला हमेशा आगे बढ़ती है, वो कभी रुकती नहीं है और ना ही उसका कोई टाइम पीरियड होता है। तो इसका मैं कुछ नहीं कह सकती कि कितने महीने लगेंगे कि कितने क्या लगेंगे, पर आप बस सीखते रहिए, जो मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करते रहिए, आपको ऑटोमेटिक ही सारे डिज़ाइंस आ जाएंगे। और जैसे अगर आपको कोन अच्छे से चलाना आ गया और बेसिक्स डिज़ाइन अगर आपने बना लिए तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आप इस तरह से बॉर्डर कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाले में मैंने ज़्यादा मोटा बॉर्डर नहीं किया है और नीचे वाले में मैंने थोड़ा ज़्यादा मोटा बॉर्डर किया है। आप एक चीज़ को ध्यान रखिए, जैसे होता है कि स्कूल्स में हम लोग भाषण देते हैं, अगर हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो उसके जगह पे हम कुछ और भी बोल सकते हैं। डांस के स्टेप्स करते हैं, कोई स्टेप भूल जाते हैं तो हम उसके लिए कुछ और करते हैं पर रुकते नहीं हैं। इसी तरह मेहंदी में है, अगर आपका कोई डिज़ाइन बिगड़ गया है, कोई लाइन टेढ़ी हो गई है या कोई फूल छोटा बड़ा हो गया है, तो उसको वैसा ही रहने दें और उसके आगे आप बनाते रहें। जैसे उसके पास में या उसके आगे आप अच्छे डिज़ाइन बनाएंगे तो वो छोटी चीज़ या जो चीज़ लाइन टेढ़ी मेढ़ी जो भी हो गई है वो भी ऑटोमेटिक अट्रैक्टिव लगने लग जाएगी। जैसे कई बार मेरे साथ होता है ऐसा कि मेरी डिज़ाइन काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो मैं मतलब ऐसा नहीं कि उसको मिटाने लग गई हूँ, पर मैं उसी को ही आगे बढ़ाती हूँ। अब जैसे ये डिज़ाइन बनाया मैंने, तो यहाँ पे क्या है, जब भी आप कोई चीज़ को खाली जगह को फिल करें तो आसपास की मेहंदी से ही फिल करें, उसके ऊपर और ज़्यादा मोटी मेहंदी ना लगाएं, क्योंकि अगर उसका ऊपर का डिज़ाइन है फिर उससे छुप जाएगा, क्योंकि मेहंदी फैलती है। जैसे मैंने यहाँ पे गोले गोले का डिज़ाइन बनाया था अभी, उसके आसपास की मेहंदी से ही मैंने ऊपर के जो भी मतलब झेल छूट गई थी उसको मैंने भर दिया था। तो इस तरह कई कई छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख के बहुत ही सुंदर मेहंदी बना सकते हैं। मेहंदी बनाना कोई मतलब काम नहीं है ऐसा टफ वाला, कोई भी बना सकता है, पर प्रैक्टिस उसमें मेन है। और कई लोगों को कोन चलाना नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मेरी फर्स्ट क्लास देखिए, मैंने उसमें मेहंदी, आपका कोन बेटर होना चाहिए, अगर आपका कोन बेटर है अच्छा है तो आप इजीली कोन चला सकते हो, ऐसे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बस धीरे चलाओ, चाहे थोड़ा करो पर परफेक्ट करो। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसको परफेक्ट करने की कोशिश करो, ऐसा नहीं कि खिचड़ी सी पका दी हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अभी जो डिज़ाइन बनाया मैंने ऊपर नीचे, ये बहुत ही कॉमन डिज़ाइन है, इसमें ऐसे तीर मारने वाला कोई डिज़ाइन है भी नहीं, पर वही है कई लोग इतना सिंपल डिज़ाइन भी नहीं बना पाते हैं, सिर्फ
अपनी प्रैक्टिस की कमी के कारण। अब जैसे मेरा बॉक्स नीचे एक्स्ट्रा रह गया था तो मैंने उसको भी डार्क कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कोई स्टेप भूल जाते हैं तो उसको इस तरह से कवर कर लीजिए। अगर आप हमेशा मेहंदी सीखने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडियाज़ आते रहेंगे। अगर आपने सिर्फ टाइम पास की तरह मेहंदी लगाया तो आपको बिल्कुल भी आइडियाज़ नहीं आएंगे। तो इस तरह से अगर आप क्रिएटिविटी करते रहेंगे तो आपकी मेहंदी में काफ़ी सुधार आ जाएगा। ये बॉक्स का डिज़ाइन है, ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया था लाइंस वाले में, जो हमारी लाइंस की क्लास थी उसमें भी मैंने आपको ये डिज़ाइन बताया हुआ है। पर यहाँ पे मैंने इन दोनों बॉर्डर के साथ में भी इस डिज़ाइन को क्रिएट किया है। चाहे तो इसमें डॉट कर लीजिए, चाहे आप एक बॉक्स छोड़कर दूसरे बॉक्स को फिल भी कर सकते हैं। तो काफ़ी तरह के आइडियाज़ होते हैं, एक चीज़ को बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। ये सारे लाइंस के हैं डिज़ाइन, और भी बहुत तरह के डिज़ाइन हम सीखेंगे। पर मैं चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैं कंटिन्यू आपको वीडियो दे दूँ, आप कंटिन्यू देख लें, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। तो टाइम तो वैसे मेरे पास भी है, पर सिर्फ देखना ही नहीं होता है, प्रैक्टिस भी होती है। पहले मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करती थी तो मुझे कमेंट्स आते थे कि आप कंटिन्यू वीडियो अपलोड मत कीजिए, हम प्रैक्टिस कब करेंगे, हमें टाइम नहीं रह पाता, आपका सेकंड वीडियो आ जाता है तो हमें प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए, थोड़ा मतलब डिस्टेंस करके आप वीडियो अपलोड कीजिए। जब मैं डिस्टेंस करके वीडियो अपलोड करने लगी थी तब मुझे कहते थे आपकी वीडियो कब आएगी। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। मैं और जो टाइम है वो एकदम सही है, आपको संडे तो मिलेगा, अगर लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो आप उस दिन भी मेरी वीडियो की प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर पे आके कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जो भी आपका वर्क है, तो एक चीज़ के को बार बार अगर आप अभ्यास करेंगे तो वो आपको परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। देखिए बहुत ही अच्छा बॉर्डर बन के तैयार हो गया है। इसी तरह हम काफ़ी सारे बॉर्डर बनाना सीखेंगे कि हम मेहंदी स्टार्ट करते वक्त, ये देखिए मेरी थोड़ी लाइन बिगड़ गई जो मैंने फिर उसको मोटा कर दिया, यही चीज़ मैं आपको बता रही थी। और जो ये मैं डिज़ाइन अभी बना रही हूँ उसको जितना पतला बनाओगे उतना ही बहुत ही सुंदर लगता है। मोटे मोटे डिज़ाइन थोड़े अलग दिखते हैं, पर पतले पतले ऐसा लगता है कि बहुत पतली लाइनें खींची गई हैं। इस तरह से डिज़ाइन बना लीजिए। काफ़ी तरह के बॉक्स डिज़ाइन हैं जिनको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सिंपल लाइन कर सकते हैं, डबल लाइन कर सकते हैं, तीन लाइन कर सकते हैं। मेरी हर एक डिज़ाइन कोई ना कोई क्लास से जुड़ी हुई है। जैसे अभी जो मैंने डिज़ाइन बनाया है ये मैंने मेरी सेकंड क्लास में बताया था, जिसमें मैंने सेकंड या थर्ड में था, शायद थर्ड में, जिसमें मैंने सर्कल वाली सिखाया था डिज़ाइन की, सर्कल्स कैसे बनाए आप। और भी बहुत तरह के डिज़ाइन होते हैं इसमें, तो जितना सीखो उतना कम है। मैं सीखने वाला होना चाहिए, आप कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस रखें और तरह तरह के डिज़ाइन अपने हैंड्स पे या प्रैक्टिस शीट पर बनाते रहें। उसी से बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी मेहंदी। और सबके कोंचा लाने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। कई कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि मैं परफेक्ट मेहंदी नहीं लगा पाती हूँ, मेरा कोन सही नहीं चलता है, या तो कोन मतलब परफेक्ट बनता नहीं होगा इस वजह से सही नहीं चला पाते, स्मूथनेस भी रहनी चाहिए, या कई लोग बहुत ज़्यादा गाढ़ी मेहंदी बनाते होंगे जिसको निकालते हैं वो ऐसे बिखरी बिखरी हो जाती होगी, सॉफ्ट नहीं होती होगी। तो मेरी जो चैनल पर पहला वीडियो है उसमें मैंने यही बताया कि आप मेहंदी पेस्ट प्रैक्टिस के लिए कैसे बनाएं,
तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल पे। बस मेन होती है लाइन सर्कल, इनसे ही पूरा हाथ बन जाता है। लाइन और सर्कल की आप बेस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको हर तरह से सर्कल बनाना जाना चाहिए, हर तरह से लाइन, आड़ी लाइन, टेढ़ी लाइन, सीधी लाइन, एक हर तरह की लाइंस आप बना लें तो आप पूरा हाथ बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने ये इसमें हल्की हल्की मेहंदी भरी है, ये मैंने डार्क नहीं भरी है, एकदम शेड के अंदर मैंने ये मेहंदी भरी है। जगह जगह पर आप इसको भर लें, ये बहुत सुंदर डिज़ाइन बन जाता है। केवल मैंने एंड में एक बेल भी शेयर की है। उस बेल का एक फ़ायदा है कि उस बेल से आप पूरे हाथ पे मेहंदी लगा सकते हो अरेबिक। ये बेल मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। बेल का क्या होता है कि आप एक ही डिज़ाइन को बार बार रिपीट कर लीजिए। जैसे मैंने ये वाला घुमाया, 9 9 बनाया मैंने ये, और अभी जो डिज़ाइन बना रही हूँ ये लेफ्ट साइड को जा रहा है कंप्लीट डिज़ाइन, आप देखते रहिए। और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो मैंने आपको प्रैक्टिस में नहीं बताई हो। इस तरह का फ्लावर बनाना भी मैंने आपको बताया हुआ है, और ये जो बंदा बता रही हूँ ये तो हर डिज़ाइन में ही बनते हैं। जैसे ये एक पोर्शन हो गया है ना, अब ये हो गया सेकंड पोर्शन। ये फर्स्ट पोर्शन हो गया, अब इसी तरह हम इधर की तरफ घुमा देंगे, इधर की तरफ 9 बना दिया, उल्टा 9 ऐसे, एक तरफ एक इधर की तरफ एक उधर की तरफ, एक ही चीज को एक के ऊपर एक रिपीट करते रहिए, आपको बहुत सुंदर डिज़ाइन बन जाएगा। जैसे कई लोग कमेंट्स आते हैं कि हम डिज़ाइन को डिज़ाइन से कैसे जोड़ें, तो इसी तरह आप जोड़ सकते हैं, सेम डिज़ाइन को उसके ऊपर आप चढ़ाते रहिए, आपकी बेल बनकर, बहुत सुंदर बेल बनकर तैयार हो जाएगी। इस डिज़ाइन को आप थोड़ा चौड़ाई में थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, जैसे मैंने तो यहाँ स्पेस के अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा बनाया, मैं पतली बेल बनाई, आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं। ये लीजिए,